हेलो फूड फ्लेवर्स मंजू सो इंग्रीडियंट के, के एपिसोड में मैं आपके लिए एक वेजिटेबल लेकर आई हूँ जो आप एज ए स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्थीएस्ट स्नैक अगर मैं स्नैकिंग की बात करती हूँ पोस्ट वर्कआउट के स्नैक की बात हो प्री वर्कआउट स्नैक की बात हो इन जनरल स्नैकिंग की बात हो मॉर्निंग स्नैक की बात हो इवनिंग स्नैक की बात हो आप किसी भी टाइम इसे कंज्यूम कर सकते हैं इट इज़ सुपर डिलिशियस सुपर हेल्दी तो हम बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी की जो एक रूट वेजिटेबल है शकरकंदी जो होती है इट इज़ रिच इन एंटी इसके अंदर बीटा कैरेटिन नाम का एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर वाइटामिन ए के लेवल को इंक्रीज करता है स्पेशली बच्चों के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जरूर स्नैक्स में उसे शकरकंदी खिलाएं और अडल्ट के लिए भी फॉर द सेम रीजन इट इज़ ऑल्सो हाई इन फाइबर काफ़ी फिलिंग होता है डिलिशियस होता है इसके अंदर वाइटामिन ए के अलावा वाइटामिन सी वाइटामिन बी सिक्स डाइट्री फाइबर और कॉम्प्लेक्स काप्स भी होते हैं इसे बहुत तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर आप इसे स्टीम कर सकते हैं बॉईल कर सकते हैं रोस्ट कर सकते हैं बेक कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ये बहुत सारे कलर्स में आता है आम तौर पर जो इंडिया के अंदर आता है उसमें बाहर पिंकिश सा कलर होता है अंदर से वाइट होता है लेकिन बाकी कंट्रीज में जैसे कि अगर हम यू की बात करें तो वहाँ ऑरेंज कलर का आता है ये अंदर से ये पिंक कलर का भी मिलता है आपको शकरकंदी वॉलेट और येलो और पर्पल कलर में भी मिलेगी 100 ग्राम अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो शकरकंदी के अंदर 86 कैलोरीज होती हैं वाटर 77 परसेंट यानी इसका वाटर कॉन्टेंट भी काफ़ी हाई होता है प्रोटीन दो ग्राम काप्स बीस ग्राम के आसपास फाइबर थ्री पॉइंट और फैट ना के बराबर इसके अंदर प्रो वाइटामिन तो होता ही है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी अगर आप 100 ग्राम भी खा लेते हैं इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके पूरे दिन का जो वाइटामिन का रिकमेंडेशन है वो पूरा हो जाएगा हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करती कि डेली आप सौ ग्राम एक मील में खाएं इसमें वाइटामिन सी पोटेशियम मैग्नीज वाइटामिन बी सिक्स बी फाइव वाइटामिन ई भी होता है इसमें बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन कैल्शियम आयन फॉस्फोरस थियमाइन और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थोड़ी मात्रा में जिंक भी होता है स्वीट पोटैटो जो होते हैं वो आमतौर पर जो हम आलू यूज़ करते हैं यानी पोटेटोज जो होते हैं उनसे हेल्दी होते हैं तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये तो स्वीट हैं वो तो सिर्फ पोटैटो हैं तो ये कैसे ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं दैट इज़ बिकॉज उनका जो ग्लासमिक इंडेक्स होता है हर फूड का एक ग्लासमिक इंडेक्स होता है यानी एक नंबर दिया जाता है फूड को वन से हंड्रेड के बीच में उसमें जो वन से फिफ्टी तक फूड होते हैं वो लो ग्लासिमिक फूड होते हैं यानी उनका डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर स्लो होता है और वो शुगर को स्पाइक नहीं करते हैं इमिडिएटली रेस नहीं करते हैं मीडियम वाले जो होते हैं वो फिफ्टी के आसपास होते हैं सेवेंटी से अबव जो होते हैं वो हाई ग्लासिमिक फूड होते हैं तो पोटैटो जो है हमारा नॉर्मल पोटैटो वो हाई ग्लासमिक फूड में या फिर मॉडरेट टू हाई में आता है ये मॉडरेट के अंदर आता है दूसरा इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है इसीलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसके अंदर एंटी ज्यादा होते हैं वाइटमिन ए जैसे बीटा कैरेटिन एक एंटी है इसमें और भी बहुत सारे ऐसे फिलोनिक पॉलिफिनिक से एंटी होते हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइट के अंदर अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो इफ़ यू आर डेफिसिट इन वाइटामिन ए तो अपनी डाइट के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है या आपकी स्किन मुरझाई हुई रहती तो वाइटामिन ए के लिए आप इसे डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करें आपके बालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर इसके अंदर जो फाइबर होता है वो दोनों तरह का होता है सोलेबल एंड इनसोलेबल तो ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में हेल्प करता है ये ब्लड प्रेशर को लोवर डाउन करने में हेल्प करता है बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड मैगनीजियम तो हाइपर टेंशन स्ट्रोक का चांसेस को लोअर डाउन करता है स्वीट पोटेटो इज ऑल्सो गुड फॉर वेट लॉस यस आप इसे प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट स्नैक की तरह तो कंज्यूम कर सकते हैं आमतौर तो भी अगर आप इसे स्नैक की तरह कंज्यूम करते हैं इट कीप्स यू फिल फॉर लॉन्ग है इसके अंदर जो फाइबर है वो आपको काफ़ी देर तक फुल रखता है इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोफाइल है वो भी बहुत अमेजिंग है सो so, आपको न्यूट्रिशनल देख, देख、डेफिशिएंसी से भी बचाता है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन बीटा कैरेटन होता है इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है या आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है स्वीट पोटैटो जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं वाइटामिन सी ई होता है इसके अंदर जिंक होता है जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज ए सैड इसके अंदर वाइटामिन ए सी ई दोनों होते हैं ये सारे जो तीनों वाइटाम्स हैं वो आपकी स्किन के लिए उसको हाइपर पिगमेंटेशन से बचाने के लिए और एजिंग से बचाने के लिए हेल्प करते हैं इसके अंदर एंथोसाइनिन होता है विच इज़ अगेन एंटी ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है ये आपकी मेमोरी को भी एनहांस करने में हेल्प कर सकता है स्वीट पोटेटो इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर बिकॉज ऑफ़ द प्रेजेंस ऑफ वाइटामिन ई इन स्वीट पोटेटो स्वीट पोटेटो आपको वेट लॉस में और भी तरीके से हेल्प करता है सो ट्वेल्व परसेंट जो स्टार्च होता है स्वीट पोटेटो के अंदर वो रिसिस्टेंट स्टार्च होता है और काफ़ी फिलिंग होता है फाइबर लाइक सब्सटेंस होता है ये जब आप रेसिस्टेंट स्टार्च कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके फैट बर्निंग के चांसेस ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसीलिए इसे इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड किया जाता है यह आपकी कार्डिवर्सकल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है अगर डाउन साइड की बात करें तो मेक श्योर sure कि आप हेल्दी तरीके से इसे प्रिपेयर करें तो अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे या फिर और कोई ऐसा अनहेल्दी तरीके से कई लोग इसे मैश करके दे एड अ लॉट ऑफ क्रीम एंड देन एडेड टू योर देयर डाइट तो उस तरीके से सेफ नहीं है आजकल तो स्वीट पोटेटो के पाए बनने लग गए हैं लोग इन्हें केक्स के अंदर अपनी स्मूदीज के अंदर आ, बनाते हैं इनके सूप्स भी बनाते हैं तो हेल्दी वे से बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेंगे लेकिन जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन्हें कम मात्रा में से कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीलेट हो सकता है सो so, किडनी की जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो कम खाएं और वैसे भी बिकॉज अगेन इट इज़ अ सोर्स ऑफ काप तो इसे मॉडोरेशन में ही खाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा स्वीट पोटैटो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए ना आप बात करते हैं वाइट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के न्यूट्रिशन के बारे में क्यों जो हमारा स्वीट पोटेटो होता है उसे हेल्दी माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पोटेटो या जो हमारा आम आलू होता है आलू और शकरकंदी में क्या डिफरेंस है न्यूट्रिएंट्स में जिसकी वजह से शकरकंदी ज़्यादा हेल्दी लगती है हेल्दी बताई जाती है तो जैसे कि आप देख सकते हैं सौ ग्राम अगर हम रॉ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो का अगर कंपेरिज़न करें तो दोनों में काब्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं प्रोटीन सेम है लेकिन फ़ाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट पोटैटो इन स्वीट पोटैटो इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को देखो तो विटामिन ए जो है वो बहुत गुना ज़्यादा है वाइटामिन बी सिक्स भी आप देखेंगे इसके अंदर ज़्यादा है वाइटामिन सी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है कम्पेरटिवली अगर देखेंगे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है स्वीट पोटैटो का एज कम्पेयर टू वाइट पोटैटो हालांकि वाइट पोटैटो के अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें बिकॉज ऑफ़ द ग्लासमिक इंडेक्स बिकॉज ऑफ़ द हाई फाइबर अमाउंट एंड बिकॉज इसके अंदर एंटी होते हैं तो स्वीट पोटैटो को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कंपेयर टू वाइट पोटैटो और उसे डाइट में इंक्लूड करना इन अ हेल्दी वे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ऑयली होता है नेचर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हैवी है कंज्यूम करने में ये ना ज्यादा गर्म है अगर इसकी इसकी हम पोटेंसी की बात करें ना ज्यादा ठंडा होता है तो इसे आमतौर पर थ्रू आउट द ईयर आप कंज्यूम कर सकते हैं इसकी टॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वात को भी बैलेंस करने में स्वीट पोटैटो हेल्प करता है तो so, आयुर्वेद में इसे काफी न्यूट्रिश बताया गया है स्पेशली बच्चों को इसे देने के लिए कहा गया है कि ये बच्चों पर टॉनिक की तरह काम करता है न्यूट्रिशन इतने ज्यादा है इसके अंदर तो उनकी गट हेल्थ के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्वीट पोटैटो क्यों आप इसे डाइट में इंक्लूड करें क्यों ये एक बेस्ट वेजिटेबल है एज ए स्नैक कंज्यूम करने के लिए इट इज रिच इन फाइबर इट इज रिच इन एंटी और क्या चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स ही कौन सा और इंग्रीडियंट आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूं तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट स्टे एक्टिव एन आल बी बैक वेरी सुनटू टेक केयर बाय बाय